नमस्कार, एनसीईआरटी कक्षा 8 का 10वां अध्याय आज हम देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पेंटिंग्स उस समय पे इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी और पेंटिंग्स के ज़रिए दोनों ही देश में और विदेश में लोग अपनी बातों को फैलाना चाहते थे, अपनी ग्लोरी को दिखाना चाहते थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीज़ हैं, पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग, जो उस समय पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और कॉमन था। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले पिक्चर्स क्यों पेंटिंग जो उस समय पे चली थी, उसका आस्पेक्ट क्या था। तो पिक्चर्स क्यों पेंटिंग में आइडिया ये था कि एक लैंडस्केप मोड में पूरा सीनरी पेंट किया जाता था और उसके द्वारा ये बताया जाता था कि उस समय पे ब्रिटिश साम्राज्य कितना भारी है। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य के काल की पेंटिंग नहीं है, पर हम आइडिया देना चाहते हैं कि ये लैंडस्केप पेंटिंग है। तो उन पिक्चर्स क्यों पेंटिंग में पूरा लैंडस्केप बताया जाता था और ये बताया जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य कितना पावरफुल है और वहाँ के एम्परर्स कितने पावरफुल हैं, उनकी जो ग्लोरी है वो देश विदेश तक फैली हुई है, उनके काल में चीज़ें बहुत सुधरी हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, बड़े बड़े रोड्स बने हैं, यातायात सुधरा है। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी पेंटिंग्स में दिखाते थे। दूसरी तरफ वो भारतीयों को सबमिसिव या इन्फीरियर दिखाते थे और ये बताते थे कि वो छोटे कस्बे में रहते हैं, वो ज़्यादा सिविलाइज नहीं है। तो ये सारी चीजें वो अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से रिवील करना चाहते थे। तो इस समय दो प्रमुख पेंटर्स थे, थॉमस डेनियल और उनके नेफ्यू जो थे विलियम डेनियल, वो दोनों भारत में आए और 7 साल तक उन्होंने भारत का टूर किया। कलकत्ता से शुरू करके पूरा दक्षिण भारत देखा और जहाँ जहाँ भी उन्हें ये लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की वीरता या प्रचंडता दिखाई जा सकती है, उन्होंने उनको अपनी पेंटिंग्स में उतारने की कोशिश की। इसी तरीके से अगली जो पेंटिंग स्टाइल आई थी उसको बोला था पोर्ट्रेट पेंटिंग्स। पोर्ट्रेट में राजा के फेशियल फीचर्स को दिखाया जाता था और इस आर्ट को पोर्ट्रेचर कहा जाता था। तो जैसे इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि राजा की महानता दिखाई गई है और राजा, नवाब और जितने भी ब्रिटिश एम्परर उस टाइम पे थे, चाहे इंडिया के हों चाहे ब्रिटेन के हों, वो अपने आप को कैनवस पे या पेपर पे देखना चाहते थे कि उनकी ग्लोरी कितनी है और वो कितने महान हैं। तो इन चीज़ों के चलते बहुत सारे पेंटर्स को भारत बुलाया गया। उस समय जो ज़्यादातर पेंटर्स आए थे वो मुख्यतः यूरोपियन पेंटर्स थे। उसी समय एक नवाब थे मोहम्मद अली खान, जो कि ब्रिटिश से 1770 के युद्ध में हार चुके थे, पर फिर भी उन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विल्सन को बुलाया और अपनी पेंटिंग पोर्ट्रेट बनवाया, जिसमें उन्होंने अपने आप को एक रॉयल फिगर दिखाया और ये बोला कि मैं अभी भी राजा हूँ, जबकि वो ऑलरेडी हार चुके थे अंग्रेज़ों से। इसी तरीके से जॉनी जॉपनी आए, वो भी जर्मनी पे पैदा हुए थे, इंग्लैंड में आए और भारत में लगभग 5 साल तक रहे और उन्होंने वो सारे चित्र या वो सारे पोर्ट्रेट्स बनाए जिसमें ऐसा दिखाया जा सके कि भारतीय ज़्यादा सबमिसिव हैं, इन्फीरियर हैं और ब्रिटिशर्स ज़्यादा सुपीरियर हैं और ज़्यादा लग्जरी से रहते हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री को पेंट करने की बात शुरू हुई। जब हिस्ट्री को पेंट करने की बात शुरू हुई तो उसको थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया गया। जैसे मीर जाफर को तो एक कठपुतली राजा बना के लॉर्ड क्लाइव ने रखा था, पर उस पेंटिंग्स में उन्होंने ये दिखाया कि लॉर्ड क्लाइव ने किस वीरता से उनसे बात की है और उनकी, लॉर्ड क्लाइव की महानता को दर्शाया गया। तो ये पेंटिंग फ्रांसिस हेमन द्वारा बनवाई गई थी। इसी तरीके से रॉबर्ट केयर पोर्टर ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें टीपू सुल्तान को हारते हुए बताया गया श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में, और एक पेंटिंग में जिसमें डेविड विल्की ने ब्रेड को जीतते हुए दिखाया और वहीं पर टीपू सुल्तान के मृत शरीर को दिखाया। तो ये सारी चीज़ें थीं जो उस समय लोगों में एक विरोध पैदा कर रही थी और लोगों में ये जागरूकता ला रही थी कि अंग्रेज़ अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगे हैं। तो धीरे धीरे कोर्ट आर्टिस्ट भी उस समय पैदा होने लगे। अब ये जो कोर्ट आर्टिस्ट थे ये मुख्यतः उन राजाओं द्वारा बढ़ाए जाते थे जो राजा ज़्यादा मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य हम पर भारी हो रहा है। जैसे टीपू सुल्तान के काल में ना सिर्फ वो अंग्रेज़ों से युद्ध के मैदान में लड़ते थे, वो ये चाहते थे कि आम जिंदगी में, लोकल ट्रेडिशंस में भी हम भारतीयों को ही सपोर्ट करें, या जो आज हम कहते हैं मेक इन इंडिया, तो ये उस समय का मेक इन इंडिया आप समझ लीजिए। अब पोलिलूर के युद्ध को उन्होंने पूरा दर्शाया था अपने किले की दीवारों पर और उसको म्यूरल पेंटिंग कहा जाता था, तो क्योंकि वो दीवार पर पेंटिंग होती थी। तो उस म्यूरल पेंटिंग में उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था। इसी तरीके से अलग अलग रिलीजियस चीज़ों के चित्र बनाए गए, गाय बैलों के, पक्षियों के, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के चित्र बनाए गए। तो ये सारी लोकल चीज़ें थी जो उस समय
पॉपुलर हो रही थी। इसी टाइम पे एक लोकल आर्ट पॉपुलर हुआ जिसको बंगाल के कालीघाट मंदिरों में शुरू हुआ और इसको नाम दिया गया पटुआ, या इनको स्क्रॉल पेंटिंग्स कहा जाता था। इनको ईस्टर्न इंडिया में कुमोर भी कहा जाता था और नॉर्थ इंडिया में कुम्हार कहा जाता था। और ये पेंटिंग्स जो होती थी ये आपकी लाइफ साइज रियल पेंटिंग्स होती थी जिनको स्क्रॉल पेंटिंग्स कहा जाता था। तो ये बहुत ही बड़े शीट ऑफ पेपर पे बनाई जाती थी और स्क्रॉल की जाती थी। पर इन कालीघाट पेंटर्स की मुख्य विशेषता क्या थी? इन्होंने उस समय जितनी भी पेंटिंग्स की, एक चीज़ को सामने लाने की कोशिश की, जो अंग्रेज़ हैं वो भारत में वेस्टर्नाइजेशन ला रहे हैं, पर इन्होंने उस वेस्टर्नाइजेशन का मजाक उड़ाया। इन्होंने उन सभी बाबुओं को जो वेस्टर्नाइज थे उन सबको क्लाउन या एक जोकर की तरह प्रदर्शित किया। जो लोग, जो व्यक्ति अंग्रेज़ी बोलते थे, कुर्सियों पे बैठते थे, उन सबका मॉक होल उड़ाया। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने चालू की और ये सब ऐसी चीज़ें थी जो आम जनता को प्रेरित कर रही थी उस समय कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और एक नेशनलिज्म का मूवमेंट डेवलप कर रही थी। इसी समय प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तो कैलकटा आर्ट स्टूडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है उस समय, वहाँ पर खूब सारी प्रिंट मेकिंग होने लग गई। इसमें जो मुख्यतः प्रिंट मेकिंग होती थी वो मुख्यतः बंगाली पर्सनालिटीज़ की होती थी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो भी नेशनलिस्ट फाइटर्स थे उस टाइम, उनकी पेंटिंग्स होती थी। 20वीं शताब्दी में जितनी भी प्रिंटिंग होती थी उसमें नेशनलिज्म के मैसेज आने लग गए, जैसे भारत माता को दर्शाया गया, उनको एक झंडे के साथ दिखाया गया और जितने भी अंग्रेज़ हैं उनको नीचे शहीद दिखाया गया। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आईं। इसी काल में फोटोग्राफी भी उतना ही पॉपुलर हो गया क्योंकि अलग अलग कल्चर को आप फोटोग्राफ के द्वारा कैप्चर कर सकते थे। तो अंग्रेज़ इसी आर्ट को लाए और इसी में सैमुअल बॉन्ड थे जो भारत में 1860 में आए थे और उन्होंने एक कलकत्ता में अपना फोटोग्राफी स्टूडियो चालू किया जिसको बॉन्ड एंड शेपर्ड कहा। इन्होंने गोथिक आर्किटेक्चर को भी कैप्चर किया जिसमें डोम शेप बिल्डिंग्स होती थी जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में बहुत कॉमन था। तो ये अलग अलग प्रकार के फोटोग्राफी जो है उस समय शुरू हुई। तो पेंटिंग्स और फोटोग्राफीज दोनों एक तरीके से पैरल चलने लग गई। अब आर्ट और नेशनलिज्म के बीच में बहुत गहरा संबंध पैदा हुआ। राजा रवि वर्मा जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे इस काल पे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स की, पर बाद में उनका बहुत विरोध भी हुआ क्योंकि उनकी सारी पेंटिंग्स ऑयल पेंटिंग्स होती थी और ये ऑयल पेंटिंग्स भारत में यूरोपियंस की देन थी। तो जो अंग्रेज़ों की पेंटिंग्स होती थी वो लाइफ साइज रियल साइज पेंटिंग्स होती थी, जो भारतीय पेंटिंग्स होती थी वो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी। तो राजा रवि वर्मा जो थे उनकी ऑयल पेंटिंग्स होती थी, उन्होंने बड़े बड़े सीन्स महाभारत और रामायण के ड्रामेटाइज किए और उनकी सारी ही कलर्ड पेंटिंग्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती थी और बाद में प्रिंटिंग प्रेस के आने के कारण उनका मास प्रोडक्शन होने लग गया। पर अबिंद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, उन्होंने इस राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का बहिष्कार किया। उन्होंने बोला कि हमें अपना नेशनलिस्ट आर्ट पैदा करना है तो हम पुनः अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स पर लौटेंगे, अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं हम वापस उनकी तरफ जाएंगे, हम सारा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर हटा देंगे, हम ऑयल पेंटिंग्स को बिल्कुल भी काम में नहीं लेंगे। और अबिंद्रनाथ टैगोर जो है वो जैपनीज पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्हीं के शिष्य थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो है उन्होंने एक अनोखी चीज़ चालू की, उन्होंने 3D पेंटिंग्स का इजाद किया और ये 3D पेंटिंग्स अभी तक अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग स्टाइल में नहीं पाई गई थी। इसके अलावा जो इनकी पेंटिंग्स थी उसमें फ्लो ऑफ लाइंस और लंबे लंबे पैर, वो सारी चीज़ें दिखाई गई। इन्हीं दो आर्टिस्ट ने बेसिकली अबिंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस के टाइम पे बहुत सारा लोकल आर्ट, लोकल फ्लोर, ट्राइबल कल्चर, उनको बढ़ावा देने की बात कही गई। और इन सब को बढ़ावा देने का एकमात्र श्रेय था कि हम भारत में नेशनलिज्म की प्रवृत्ति बढ़ाएं, लोगों में नेशनलिज्म जागृत करें ताकि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आगे बढ़ सकें। और चूंकि मास प्रिंटिंग शुरू हो चुकी थी, प्रिंटिंग प्रेसेस आ चुके थी, ये सारे संदेश पूरे देश भर में फैल सकते थे। इसी टाइम पे जापान में काकुजो थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी द आइडियल्स ऑफ ईस्ट, और उस किताब का कैप्शन था एशिया इज वन। उन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो पूरे एशिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है और हम एशिया के सारे ही लोग एक हैं, अगर हम यूनाइट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें
कोई परास्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एशियंस पे अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। वो अभिन्नाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो शांति निकेतन भी आए और उन्होंने पहली जापनीज आर्ट एकेडमी की का गठन किया। तो ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जो आर्ट एंड कल्चर में, पेंटिंग्स में उस टाइम पर हुई, और पेंटिंग्स के माध्यम से यूरोपियंस अपने आप को खुश करते थे और भारतीय एक नेशनलिस्ट मूवमेंट लाना चाहते थे। वो अपनी बातों को पेंटिंग्स के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो जैसे हमने बोला कि वेस्टर्नाइज बाबू को जोकर बता के दिखाया गया, तो लोगों में उन लोगों का माखौल उड़ने लगा और लोग धीरे धीरे नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ने लगे। तो इसीलिए हम अगली क्लास में नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इन सब की हम बात करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।